शुरुआत के कुछ लेक्चर्स में मैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बताऊंगा, और उसमें भी सबसे पहले हमको देखना होगा कि नीड क्या है अकाउंटिंग की. अच्छा, सब्जेक्ट का नाम है हमारी अकाउंटेंसी. मैं बार बार अकाउंटिंग बोल रहा हूँ, कभी मैं अकाउंटिंग बोल रहा हूँ, कभी अकाउंटेंसी बोल रहा हूँ. तो आर दीज टर्म्स इंटरचेंजेबल? क्या इन दोनों की मीनिंग सेम है, डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो क्या डिफरेंसेस हैं? ये सब अभी इवेंचुअली देखेंगे बाद में, ठीक है? तो आई एम स्टार्टिंग अकाउंटेंसी. सबसे पहले मैं बात करूंगा नीड फॉर अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग की जरूरत क्या है. नीड फॉर अकाउंटिंग, हाँ मैं एकदम लेमन टर्म्स में बात कर रहा हूं अभी, ठीक है? मान लो मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, लेट्स से कोई बुक शॉप का बिजनेस स्टार्ट करना है. तो अब उस बुक शॉप में कई सारे ट्रांजैक्शंस होंगे. ट्रांजैक्शन अभी हम लोगों ने देखा, टू डू समथिंग थ्रू समथिंग. तो कई सारे ट्रांजैक्शन होंगे. मैं बुक स्टोर का नाम है निशांत बुक स्टोर, जस्ट मैं लिख दे रहा हूं यहां पर निशांत बुक स्टोर, ठीक है? अब इसको, इसके बारे में हम लोग जैसे ही सोचते हैं तो पहली चीजें जो हमारे दिमाग में आती हैं वो क्या क्या आती हैं? पहले तो मेरे को कोई कमरा रेंट पे लेना पड़ेगा जिसमें मैं अपनी शॉप को सेटअप करूंगा. तो मैं एक रूम रेंट पे ले लूंगा जिसपे मैं अपनी शॉप सेटअप करूंगा, ठीक है? मुझे होलसेलर से और पब्लिशर्स से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जिनसे मैं अपनी बुक्स परचेज करूंगा. तो मुझे होलसेलर से और पब्लिशर्स से कॉन्टैक्ट करना होगा, इनसे मैं अपनी बुक्स परचेज करूंगा. इनसे मैंने किया परचेज, मेरी बुक स्टोर है तो पहले मैं उसकी एडवर्टीजमेंट करूंगा. एडवर्टीजमेंट के बिना तो पता भी नहीं चलेगा, तो मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा. फिर मैं माल अपने कस्टमर्स को बेचूंगा. तो ये हो गए मेरे कस्टमर्स. और इनको मैं सेल करूंगा, सेल करूंगा, ठीक है? इसी तरह से बहुत सारे और ट्रांजैक्शंस होते होंगे. जैसे मैंने एक जनरेटर लगवा के रखा होगा निशांत बुक स्टोर में, उसमें हर महीने कुछ डीजल पड़ता होगा, उसका खर्चा होता होगा, पेट्रोल का खर्चा होता होगा, आने जाने का खर्चा होता होगा, बहुत सारे खर्चे होते होंगे. एट द एंड ऑफ ईयर तो मेरे को प्रॉफिट निकालना है कि मैं जो ये बिजनेस कर रहा हूं उससे मैं कितना प्रॉफिट निकाल रहा हूं, उससे मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं, अगर कुछ प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो पा रहा है. तो ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकली याद रखना पॉसिबल है? एक साल में जितने ट्रांजैक्शंस होंगे, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग. हो सकता है मैंने कुछ होलसेलर से या पब्लिशर से थोड़ी सी बुक्स क्रेडिट पे परचेज किए हों. क्रेडिट पे परचेज का मतलब उधार में खरीदी हों, मैंने उनको अभी पैसे ना दिए हों, बुक्स ले ली हों. मैंने अपने कुछ कस्टमर्स को क्रेडिट पे सेल किया हो. कुछ स्टूडेंट्स आए हों मेरे पास, उन्होंने कहा कि कल एग्जाम है, पैसे हैं नहीं, किताब दे दो. मैंने कहा ले जाओ. तो मैंने कस्टमर्स को सेल किया, क्रेडिट पे सेल किया. तो मेरे को इससे ये भी पता करना पड़ेगा कि साल के एंड में हाउ मच मनी आई ओ माई होलसेलर्स और पब्लिशर्स. मुझे कितने पैसे इन लोगों को देने हैं, मुझे कितने पैसे इनसे लेने हैं. तो ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, तभी करेक्टली प्रॉफिट डिटरमिन हो पाएगा. तो इसके लिए अकाउंटिंग की जरूरत होती है. मुझे इन सारी चीजों से, सारी चीजों से, मुझे इन सारी चीजों से अपना प्रॉफिट निकालना है. और प्रॉफिट निकालने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत होती है, ठीक है? ट्रांजैक्शन का मतलब मैं बता चुका हूं. क्या मैं सारी चीजों को नोट डाउन करूंगा? अकाउंटिंग का मतलब हुआ कि मैं सारी की सारी चीजों को नोट डाउन करता चलूंगा, या फिर टेक्निकली बोलते हैं रिकॉर्ड करता चलूंगा, ठीक है? अब एक चीज जो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बताए हैं. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शंस जिनमें कुछ पैसा इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको हम नोट डाउन नहीं करेंगे. अच्छा, जहां पर हम ये सारी चीजें नोट डाउन करते हैं, जहां हम ये सारी चीजें लिखते हैं, उसे बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आप क्या बोलने वाले थे? बैलेंस शीट. नहीं, बैलेंस शीट बात की बात है. आपको ये सब कैसे पता है? नहीं, हमारे स्कूल में हो गया थोड़ा सा.
अच्छा स्कूल में थोड़ा सा हो गया, ठीक है उसको साइड में रख दो अभी, ठीक है। तो जहां पर ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, जहां पर ये सारी चीजें नोट डाउन होती हैं, उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नीड फॉर अकाउंटिंग में बस इतना ही है कि मेरे को अगर मेरे बिजनेस से प्रॉफिट डिटरमिन करना है, करेक्टली प्रॉफिट डिटरमिन करना है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दैट इज अ ट्रांजैक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स मनी इनटू समथिंग, एंड दैट समथिंग इज नोन एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बस नीड फॉर अकाउंटिंग में बस इतना ही है। नोट्स खोलो, पहली चीज नीड फॉर अकाउंटिंग है, एक बार उसको पढ़ लेते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है तो आप इसी में लिख लेना, ठीक है। नीड फॉर अकाउंटिंग, whenever we start doing business, a number of transactions take place. For example, if we start a business of say a bookstore, that is, we'll be buying books from wholesalers and publishers and selling them to customers. Following things pop up in our minds at the first instance: taking an office or shop on rent for the purpose of bookstore, contacting the wholesalers and publishers, purchasing books from them, advertising, selling the books to customers, and so on. Okay? Now, when the business starts functioning, we'll want to know how much profit we have earned from the business in a year. So it is practically impossible to just remember whatever happened in the whole year. For example, we may have bought certain books from our wholesalers or publishers on credit. Credit ka matlab bhi diya hua hai, the ability of a business entity to obtain goods before payment. So we would want to know how much money we owe them. Similarly, we may have sold certain goods to our customers on credit. फिर से क्रेडिट का मतलब अब कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया है, द एबिलिटी ऑफ कस्टमर्स टू ऑब्टेन गुड्स बिफोर पेमेंट, एंड वी वुड वांट टू नो हाउ मच मनी आर कस्टमर्स ओ अस। देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल टू रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। यहां पर बस एक पॉइंट और ध्यान रखने का है कि जैसे जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते जा रहे हैं, जिस सीक्वेंस में हो रहे हैं, आज अगर सुबह मैंने चाय खरीदी तो मैं सबसे पहले अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चाय का दाम लिखूंगा, उसके बाद अगर मैंने माल खरीदा तो मैं पहले चाय का लिखने के बाद परचेजिंग की एंट्री करूंगा, ठीक है। जैसे जैसे होता है वैसे वैसे लिखते जाते हैं, इसको बोलते हैं टेक्निकली इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल का मतलब टाइम वाइज सीक्वेंस से, ठीक है। Therefore, it is advisable to record all the financial transactions that take place as and when they take place. Hence, the need for accounting arises. A financial transaction is a transaction which involves money. The financial transactions are recorded in what is called books of accounts.